सरकार आंकड़े छुपा रही है, शमशान और नदियाँ सच बता रही हैं। भले ही सरकार की कागजी कार्यवाही पर देश में मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। क्या सरकार कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या छुपा रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2,67,334 नए संक्रमणों के साथ कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,54,96,330 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,19,86,363 हो गई है। वहीं देश में 4,529 नई मौतों के साथ मृत्यु संख्या बढ़कर 2,83,248 हो गई है। वहीं लोगों की माने तो यह आंकड़ा 3 से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे क्या कारण है कि मृत्यु दर इतनी तेजी से बढ़ रही है? गंगा में बहती लाशें अब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिहार सरकार कह रही है यह लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है मीडिया भ्रम फैला रही है। क्या सरकार के आंकड़े छुपा लेने से हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं?